तो हमारी रेसिपी देखने के लिए फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है पाव भाजी, तो कैसे बनाए हैं इसके लिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप सभी लोगों को समझ में आएगा मेरी रेसिपी और अच्छी लगेगी। तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हेलो, मैं प्रतीक्षा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल डिब्बो की रसोई में। तो आज मैं फ्रेंड्स आप सभी लोगों के लिए फिर से कुछ नई रेसिपी लेकर आई हूँ, तो आइए रेसिपी चालू करते हैं फटाफट। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों के साथ फिर से कुछ नई रेसिपी लेकर आई हूँ, तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने, देखिए आपको पहले सामान दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं आलू ले ली हूँ, आलू को छील के और कट करके छोटे छोटे टुकड़े कर ले, बहुत छोटा टुकड़ा नहीं करना है, इतना बड़ा बड़ा कर लिए हैं। और ये हम लिए हैं गोभी, तो गोभी के भी छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। ये है शिमला मिर्च, तो शिमला मिर्च के भी छोटे छोटे कर लिए हैं टुकड़े। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ले लिया है बोरो। तो हम बना रहे हैं फ्रेंड्स पाव भाजी, तो आपको जो भी पसंद हो वेज आप उसे डाल सकती हैं, जो भी आपको सब्जी अच्छी है। ठंडियों में तो बहुत ही मतलब सब्जी अच्छी, आप चाहे तो गाजर भी डाल सकती हैं इसके जगह, जो भी आपको सब्जी पसंद हो ले सकती हैं। और यहाँ पे मैंने ले लिया है 3 बड़ा टमाटर और छोटा सा अदरक ले लिया है, अदरक का टुकड़ा, और 2 प्याज लिए हुए हैं। तो आइए अब इसे कैसे बनाना है शुरू करते हैं बनाना। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने जो है कुकर रख दिया है गर्म होने के लिए, कुकर हमारा गर्म हो गया है। तो सबसे पहले हमें इसमें हम घी डाल रहे हैं फ्रेंड्स, तो बिल्कुल बहुत ही रेस्टोरेंट से भी बढ़िया बनने वाला है हमारा पाव भाजी। तो यहाँ पे हम डालेंगे देसी घी, तो देसी घी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है फ्रेंड्स, आप लोग बना के देखिएगा मेरी इस रेसिपी से। आप लोगों ने बहुत बार बनाया होगा पाव भाजी, लेकिन एक बार मेरी रेसिपी से आप लोग बना के देखिएगा। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 2 चम्मच ही डालना है। और घी हमारा गर्म हो गया है, तो इसमें हम डाल देते हैं जीरा। जीरा हम डालेंगे 1 चम्मच खड़ा, और थोड़ा सा डाल देंगे हींग। तो हींग से जो है फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, तो इसमें हम हींग भी डाल देते हैं। बस अभी हमें कुछ भी नहीं डालना है। अब जो ये सब्जी हम लिए हैं, सब्जी को डाल देते हैं। सारे सब्जी यहाँ पे हम डाल देंगे। तो सब सब्जियों को मैंने डाल दिया फ्रेंड्स। अब इसमें नमक डाल देते हैं, तो नमक हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा सा नमक अभी डालेंगे, फिर हम इसमें बाद में नमक डालेंगे। तो यहाँ पे हम 1 चम्मच के लगभग नमक डाल दिए हैं, और 1 चम्मच इसमें डाल देंगे पाव भाजी मसाला, बस 1 चम्मच ही डालेंगे। तो यहाँ पे 1 चम्मच पाव भाजी मसाला भी डाल दिए हैं, और बहुत ज़्यादा अब इसमें पानी अभी हम नहीं डालेंगे, 1 कप के लगभग हम पानी डाल देते हैं। ज़्यादा पानी डालने से क्या होगा, हमारा पाव भाजी जो है बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। और अब सारी सब्जियों को एक बार चला देते हैं। तो ये देखिए मैंने चला दिया, और अब इसका ढक्कन लगा के कुकर को कर देते हैं बंद। जब 3 सीटी आएगा फिर हम गैस को ऑफ कर देंगे। तो ढक्कन लगा दिए हैं, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 3 सीटी आ चुका है, हम इसे कुकर को उतार देते हैं। जब तक कि ये ठंडा इसका प्रेशर निकल गया, हम यहाँ पे कढ़ाई रख देते हैं गर्म होने के लिए। कढ़ाई हमारी गर्म हो जाए, कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है फ्रेंड्स, अब इसमें हम डाल देते हैं तेल। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम सरसों का तेल डाल रहे हैं। तो तेल देखिए फ्रेंड्स गर्म हो चुका है। अब इसमें सबसे पहले हम 1 चम्मच जीरा का तड़का दे देते हैं, और यहाँ पे जो मैंने प्याज आपको दिखाया था, प्याज लहसुन के छोटे छोटे टुकड़े और अदरक के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। तो अब इसमें हम लहसुन डाल देंगे, और प्याज को भी डाल देते हैं, अदरक को भी, तीनों को एक साथ ही डाल देते हैं।
और इसे हम हल्का ब्राउन होने तक इसे हम भूनेंगे। इसे प्याज को अच्छे से हमें कलर कर लेना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए मेरा प्याज हो गया है, ये जला नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही करना है, लाल प्याज करना है। अब जो मैंने यहाँ पे टमाटर लिया था उसका प्यूरी बना के इसमें डाल रहे हैं। आप चाहे तो टमाटर को जो है जिस समय सब्जी आप बॉईल कर रहे हैं उस समय भी डाल सकती हैं, लेकिन इससे कलर जो है प्यूरी बना देने से बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने तीनों टमाटर का प्यूरी बना लिया था। और अब इसमें हम हल्दी पाउडर डाल देते हैं। तो हल्दी पाउडर ज़्यादा नहीं डालेंगे, आधा चम्मच के लगभग हम हल्दी पाउडर डालते हैं। और सारे मसाले को हम अच्छे से चला लेंगे। इसको मसाले को हम बहुत अच्छे से भूनेंगे जब तक कि इसका कलर ना आ जाए। बहुत ही अच्छा कलर आता है, आप लोग बना के देखिएगा फ्रेंड्स। और आप सभी लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए होंगे या अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी रेसिपी आप सभी लोगों के पास पहुंच सके। तो देखिए यहाँ पे मैंने डाल दिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं पाव भाजी मसाला। तो यहाँ पे हम ले लिए हैं देखिए 3-4 के चम्मच के बराबर, ये मेरा पाव भाजी मसाला है, तो इसे भी डाल देते हैं। इससे जो है बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और कलर बहुत अच्छा आता है फ्रेंड्स। देखिए सारे मसाले को हमें अच्छे से भूनना है, मसाले को अच्छे से भूनेंगे तो इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने डाल दी, यहाँ पे ली हूँ 1 चम्मच, ये रेड चिली पाउडर है, तो यहाँ पे हम रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहे तो इसमें ग्रीन चिली का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन इससे जो है रेड चिली से जो है कलर बहुत अच्छा आएगा। तो आप लोगों को देखिए मसाला का, आप लोगों का रंग से समझ में आ रहा होगा कि कलर जो है इसका बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनने वाला है। आप लोगों ने बहुत बार बनाया होगा, पाव भाजी खाया भी होगा, लेकिन आप लोग एक बार मेरे रेसिपी से आप लोग बना के देखिएगा। वीडियो के साथ बिल्कुल आप लोग बने रहिएगा फ्रेंड्स, वीडियो को फुल वॉच किया करिए तभी मेरी रेसिपी आप लोगों को समझ में आएगी। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स जो मैंने सब्जी को उबाल के रखा हुआ है इसको आप क्या करना है, मैशर ले लीजिए और मैशर से इसे हमें बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास मैशर नहीं है तो आप इसे कटोरी से भी कर सकती हैं, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। हम आप लोगों को दिखा देते हैं कटोरी से भी करके। तो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मैशर अगर है तो मैशर से ही कीजिएगा क्योंकि ये बहुत अच्छे से ये मिक्स हो जाएगी सब्जी। देखिए यहाँ पे मेरा बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है ये मिक्स हो चुका है फ्रेंड्स। और अभी मसाला को हम यहाँ पे हम नमक डाल देते हैं फ्रेंड्स। इसके पहले भी मैंने सब्जी में डाला हुआ है नमक, तो उस हिसाब से ही आप लोग भी डालिएगा नमक। तो यहाँ पे मैं नमक डाल दी हूँ और अब इसे अच्छे से मसाले का आप कलर देख सकती हैं कितना बढ़िया। अगर जब मैं तेल डाल रही हूँ तो आप लोगों को लगा होगा कि बहुत ज़्यादा तेल का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं फ्रेंड्स तेल ज़्यादा नहीं है। ये तेल से बहुत ही अच्छा मतलब इसका कलर आएगा, और जो मैंने ये मिर्च पाउडर डाला है इससे कलर बहुत ही अच्छी आती है। तो ये देखिए मसाले को अभी 2 मिनट तक और भून लेते हैं, मसाला भुना रहेगा तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स मसाले यहाँ पे भून गए हैं और इसका कलर आपको दिख रहा होगा कैमरे में कि कितना बढ़िया कलर आया है, बहुत ही अच्छा कलर आया है। अब इसमें हम पानी डाल देंगे, मैंने बोला था कि सब्जी में कम पानी का इस्तेमाल आप लोग कीजिएगा। तो यहाँ पे पहले हम पानी को डाल के और इसे पका लेंगे, क्योंकि पानी अगर आप सब्जी डालने के बाद डालिएगा तो पानी अच्छे से पकता नहीं और कच्चापन लगता है, टेस्ट खराब हो जाता है। तो इसलिए मैं पहले पानी इसमें डाल दी हूँ और पानी को अच्छे से पका लेंगे मसाले के साथ। देखिए इसका कलर आपको देखिए कितना बढ़िया कलर लग रहा है, बहुत ही टेस्टी। तो अब ये पानी जो डाले हैं फ्रेंड्स, पानी जो है पक चुका है मसाले के साथ। अब इसमें हम ये जो सब्जी रखे हैं बिल्कुल मिक्स करके अच्छे से, तो इस सब्जी को हम डाल देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने पाव भाजी, मेरा ये भाजी बन के बिल्कुल रेडी है, ये देखिए। तो आप देखिए इसको ऐसा ही करना है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, देखिए ऐसा ही होना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा और ना ही बहुत ज़्यादा पतला। तो ये हमारा हो गया रेडी। अब इसके ऊपर से थोड़ा सा हम डाल देते हैं बटर,
इससे जो है बहुत ही अच्छा और दोगुना टेस्ट बढ़ने वाला है। तो ये लीजिए, मैंने बटर भी डाल दिया। बटर डाल के अब हम 2 मिनट के लिए लीड लगा देंगे ताकि जो है ये बटर अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया है मेरा। लीड हटा के दिखाते हैं तो आप देख सकती हैं कितना यम्मी यम्मी बना हुआ है बिल्कुल। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम धनिया की पत्ती कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे अब ये रेडी हो गया। हम अब इसे हटा लेते हैं और पाव सेक कर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अब हम जो है पाव को सेक लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ गर्म हो चुका है। अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा बटर। तो बटर डाल के बटर को मेल्ट हो जाने देते हैं। बटर हमारा मेल्ट हो गया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा डाल देते हैं, ये धनिया पत्ती डाले हैं। तो अब इसके ऊपर जो ये मैंने पाव लिया है इसे जो है रख के सेक लेते हैं। तो मेरे यहाँ ये गोल वाला ही मिला है फ्रेंड्स। आप चाहे तो जो चरकोन वाला आता है उसे भी ले सकती हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो मेरा ये पाव भाजी बनके भाई बिल्कुल रेडी है। तो इतना मैंने मेहनत किया फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा अपना प्यारा प्यारा। तो ये देखिए देखने में कितना बढ़िया लग रहा है। ये देखिए तो बिल्कुल रेडी है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, देख सकती हैं मेरी पाव भाजी बनके बिल्कुल रेडी है। इसके ऊपर से थोड़ा सा हम डाल देते हैं धनिया पत्ती। और पाव भाजी में फ्रेंड्स अगर नींबू ना हो तो टेस्ट उसका अच्छा नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा नींबू भी डाल देते हैं। अगर आपको पसंद ना हो तो इसे स्किप भी कर सकती हैं। तो ये लीजिए गर्मा गर्म मेरी पाव भाजी बनके रेडी है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरी पाव भाजी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपनी प्यारी प्यारी कमेंट कर दीजिएगा। लाइक को करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हाँ, और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, मेरी रेसिपी पसंद आए तो। बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स। आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए होंगे या अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आप लोगों को मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो अपना प्यारा प्यारा कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।